फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के 45वें प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट 20 जनवरी साल 2017 में हासिल किया। प्रेसिडेंट से पहले डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन और टेलीविजन पर्सनालिटी हुआ करते थे। ट्रंप न्यूयॉर्क में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े। आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप बिलियन एयर हैं और इनके नेटवर्थ भी हैं $3 बिलियन। आज के दिन ट्रंप के पास इतनी पावर है कि वो जो चाहे कर सकते हैं और इन्हें जो चीज़ पसंद हो वो ख़रीद भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों के पास हैं। आज मैं आपको ट्रंप के बारे में चंद ज़रूरी बातें बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। कार्स। दोस्तों, यूएस के प्रेसिडेंट कार्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स कार्स के ऊपर ही खर्च किए हुए हैं। क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कार्स तो नहीं, पर जितनी भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, एक्सपेंसिव और हाईएस्ट क्वालिटी की हैं। ये कार्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं और बहुत कम ही यूएस की सड़कों पर नज़र आती हैं। ट्रंप के पास 2003 की मर्सिडीज़ बेंज MSR मैकलेरन, जिसे उन्होंने $4,45,000 में ख़रीदा था। इनके पास 1971 की लैम्बो WRT और एक मर्सिडीज़ S600 है, एक टेस्ला रोडस्टार और एक 2016 में कैडिलैक एस्केलेट मौजूद है। इसके साथ दोस्तों, ट्रंप की कार की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, इनके पास और भी काफ़ी कार्स हैं। 17 गोल्फ क्लब। दोस्तों, ट्रंप गोल्फ के शौकीन हैं। गोल्फ खेलते हुए इन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पिक्स भी अपलोड की हैं, जिससे साबित होता है कि गोल्फ इनका कितना पसंदीदा गेम है। स्पोर्ट्स पर कितने ज़्यादा इन्वेस्ट करीब साल 1999 में ही शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना पहला गोल्फ क्लब साल 1999 में ही परचेज किया था। आज इनके पास एक से ज़्यादा गोल्फ क्लब नहीं, पूरे 17 गोल्फ क्लब हैं। हर क्लब उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोने में बना रखे हैं और इनको बनाने में इनके $100 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। 17 में से इनका लॉस एंजलिस नेशनल गोल्फ क्लब है, जिसको उन्होंने $25 मिलियन में ख़रीदा था, लेकिन बदकिस्मती से लैंडस्लाइडिंग से उस गोल्फ क्लब की ज़मीन फटने लगी और वहाँ खेलना भी काफ़ी मुश्किल होने लगा। ट्रंप ने इसे रेनोवेट करने का फैसला किया। रेनोवेशन में उन्होंने करीब $250 मिलियन खर्च कर दिए। द ट्रंप वाइनरी। दोस्तों, आपको क्या पता है, डोनाल्ड ट्रंप को अल्कोहल यानी शराब बिल्कुल पसंद नहीं, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब तक उन्होंने शराब को टेस्ट भी नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्यों आज की डेट में इनका अपना खुद का एक वाइनरी है जहाँ शराब बेची जाती है। दोस्तों, कितनी सरप्राइज की बात है, जिस शख्स ने कभी वाइन को हाथ नहीं लगाया उसकी अपनी खुद की एक वाइन की शॉप है। इस वाइनरी को उन्होंने साल 2011 में खरीदा, बैंक से $16 मिलियन का लोन लेकर खरीदा था। आज इस वाइनरी की प्राइस है तकरीबन $25 से $30 मिलियन। वहां की शराब की बोटल्स पर ट्रंप लिखा होता है। ये आम वाइनरी की शॉप नहीं, बल्कि बड़े रिजॉर्ट टाइप की जगह है जहां शादियां और अलग तरह तरह के फंक्शंस होते रहते हैं। गोल्ड प्लेटेड मोटरसाइकिल्स। दोस्तों, बाईसाइकल्स को आजकल सभी खरीदते होंगे, लेकिन ट्रंप की जैसी बाईसाइकल्स शायद ही किसी के पास हो। ट्रंप की बाईसाइकिल सोने की बनी हुई है। इसकी हैंडल, चेन, इंजन, यहाँ तक के चक्के के रिम्स भी सोने के बने हुए हैं। इसकी प्राइस अभी तक ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन आपको सोच सकते हैं कितनी महंगी होगी ये बाइक। उन्होंने स्पेशल ऑर्डर देकर 2012 में बनाई थी। दोस्तों, ज़्यादातर चीज़ें ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले ही की। आपके जहन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि वो इतने ज़्यादा पैसे लाते किधर से हैं, तो इसका जवाब ये है कि ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। ट्रंप टावर। दोस्तों, साल 1995 में ट्रंप को अपने बिजनेस में फ़ायदा हुआ, इसलिए उन्होंने पहले सोचा कि वो अपने पैसों से पहले कोई आरामदेह घर देखें, लेकिन इनके दिमाग में कि वो अपने पैसों को अलग एक जगह पर खर्च करने की बजाय तरह तरह की जगहों में खर्च करें। शुरू में उन्होंने 71 मंजिलों की इमारत खरीदी थी और न्यूयॉर्क में 40 बिल्डिंग्स भी खरीदी, जिसके आगे लिखा हुआ है ट्रंप टावर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।